मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले थोड़े दिन से एक कंट्रोवर्सी चल रहा है। टीपरासा को डिवाइड करने के लिए आज हम लोग रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि चाबी कोई और लगाता है और बोलता टीपरासा है। आज क्रिश्चियन को डिनाई करने से क्या हिंदू टीपरासा को उनका अधिकार मिल जाएगा? कभी नहीं। क्या आज हिंदू टीपरासा को अधिकार डिनाई करके क्रिश्चियन टीपरासा को कुछ पावर मिलेगा? कभी नहीं। ये जो पूरा षड्यंत्र है, ये जो पूरा कॉन्स्पिरेसी है, ये ना हिंदू के लिए है, ना क्रिश्चियन के लिए है, ना बुद्धिस्ट के लिए है। ये पूरा कॉन्ट्रोवर्सी हमको हमारा अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए है, हमको डिवाइड करने के लिए है, हमारा थनसा को तोड़ने के लिए है। आज अगर टीपरासा जमातिया देव बर्मा कोलोय रंगखोल जो भी हो, त्रिपुरा जो भी हो, अगर हम लोग धर्म के नाम में फाइट करेंगे तो टीपरासा कम्युनिटी कमज़ोर होगा। जब टीपरासा कम्युनिटी कमज़ोर होगा, फ़ायदा ना क्रिश्चियन को होगा ना हिंदू को होगा, फ़ायदा उन्हीं को होगा जिनको हमारा ज़मीन, जिनको हमारा पैसा, जिनको हमारा रिसोर्सेस चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि टीपरासा को ख़त्म करने के लिए बहुत कॉन्स्पिरेसीज चल रहा है, लेकिन अगर टीपरासा को बचना है, अपना भविष्य को बचाना है, अपना ज़मीन को, भूमि को बचाना है, तो एक बात समझना पड़ेगा कि पहले हम लोग टीपरासा हैं, उसके बाद हमारा कोई भी धर्म है, कोई भी पार्टी है, पहला हमारा जाति है। और आप लोग एक बात समझ लो, इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा, इससे उसी को फ़ायदा होगा जो टीपरासा का थानसा को तोड़कर टीपरासा को कमज़ोर कर रहा है। मैं आपके लिए फाइट करूंगा, मैं आपके धर्म के लिए फ़ाइट नहीं करूंगा, मैं आपके पार्टी के लिए फ़ाइट नहीं करूंगा, मैं अपने जाति के लिए फ़ाइट करूंगा। जाति है तो पार्टी है, जाति है तो ही धर्म है। अगर जाति ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। ये कॉन्स्पिरेसी में आप मत गिरिए, एक दूसरे को प्यार कीजिए। आपका रिलीजन आपका प्राइवेट मैटर है और आपका जाति आपका सर्वाइवल का मैटर है। दिस इज़ बोबागरा टेलिंग एवरीवन, बी केयरफुल, बी वेयर एंड बी थानसा। हम बाय।